वो ओम प्रकाश उंदरीवाल जो बदतमीजी कर रहे हैं। करीब 2 साल से हूँ मैं वहाँ पे, और वहाँ पर है ना ये मतलब आए दिन कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि मैडम मौसम अच्छा हो रहा है आज, तो आपके साथ घूमने जाने का मन हो रहा है। और कई बार ऐसे बोलते हैं लो मैं घर छोड़ने चलूँ क्या आपको। तो मैंने अपने स्तर पे लेवल पे कई बार उनको डांट दिया सर, कितनी बार मैंने उनको बोल दिया सर मेरे से बदतमीजी नहीं चलेगी नहीं आपकी, मैं अगर घर पे बता दूंगी तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे करते करते सर फिर अब 6 तारीख को बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी और प्रिंसिपल मैडम के रूम के अंदर करी कि जो मैं काम कर रही थी कि नहीं पहले मेरा काम करो, मेरी फोटोकॉपी करनी है, प्रिंट आउट नहीं निकाला। तो इस तरीके से बहुत बदतमीजी करी, सबके सामने करी। मैडम ने भी उनको बोला कि पूरे दिन ये काम करती है, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं कर रही है। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा उनका अब इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैंने वो कंप्लेंट फिर लिखी के अंदर मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को दी। तो फिर वो मेरा साथ देने के लिए सर ने फिर क्या करा, उस मैंने हमारे शाला परिवार के ऊपर उसको डाली थी कि भाई मैंने इस तरीके से मैडम को कंप्लेन करी है ओम प्रकाश उंदरीवाल की। तो उन्होंने लेके सर ने मेरे फेवर में, तो उनको है ना अपने दे दी हमारे वहाँ पे ग्राम पंचायत में भी। तो इस तरीके से उसको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने सर से भी आके मारपीट करी दूसरे दिन, और मुझे ये बोला कि आप वापस ये करो, कहो कि ना ये प्रकरण बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने मना कर दिया कि है ना कि मैं ना इस तरीका का मैं क्यों लिख के दूंगी सर। तो बोला कि फिर मैं, मेरे घर में 50 औरतें हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और ना मैं भी एससी का केस लगाऊंगा, पिटाऊंगा तुमको। और आए दिन सर इतनी बदतमीजी करते, जैसे रूम से बाहर निकलते तो ऐसे कोनी वोनी ऐसे टच करना, इस तरीके की हरकतें, बहुत हरकतें करते हैं इस तरीके से। और थाने के अंदर जब हम गए, फिर मैं उसकी रिपोर्ट लिखाने गई इसीलिए कि जब है ना ये इस तरीके से कह रहा औरतों से पिटवाऊंगा। तो फिर हम लोग सब जने गए, मेरे साथ और टीचर्स भी गए, क्योंकि सबके साथ में, और सरपंच सर गए थे, हमारे सर गए थे जो मेरा फेवर ले रहे थे। तो वहाँ पे जाते ही ना सब वो औरतें इकट्ठी थी और वो इकट्ठे थे, जाते ही हमारे पे ये चप्पल जूतों से इस तरीके से हमसे मारपीट करने लगा। और फिर है ना फिर खुद ने फिर एससी का केस एंड टू एंड हमारे पे लगा दिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो पूरी सख्त कार्रवाई चाहती हूँ सर कि वो वहाँ से सस्पेंड हो, हमें न्याय मिले। क्योंकि सर ना सर पिछली साल ये कि यही हरकत मीनाक्षी मैडम के साथ हुई और इनके साथ भी होती रहती है, लेकिन है ना हम मैडम को शिकायत करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, बस इसलिए फिर मैंने लिखित में दी थी। मेरा मंजू अजमेरा, 2 साल पहले यही सेम मैटर इन मैडम को प्रताड़ित किया, इन पर SC ST का केस लगाया, जब प्रेशर बढ़ा तो माफ़ीनामा भी दिया। यानी वो अभी से नहीं सर, पुराने समय से हिस्ट्री सीटर है। मेरे फादर के अधीनस्थ वो टीचर रहा, एक फेक न्यूज़ बनाई सर उसने गबन की और पेपर में छपवाया, अगले दिन स्कूल आया ब्लैक बोर्ड पर उस न्यूज़ को छपा रहा है। उसका परिणाम ये रहा उसकी दादागिरी से, मेरे फादर को 3 अटैक आ गए सर, आज वो मरणासन पर है। यानी उसकी इतनी जाती है सर। गणेशलाल जी जोशी, ओम प्रकाश उंदरीवाल से इतने पीड़ित थे सर। इन महिलाओं की वजह से मैंने इनको साथ दिया। मैंने कहा मेरे पिताजी अटैक आया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर, आपका नाम? नंदकिशोर जोशी। मैं भी इसी स्कूल में कार्यरत हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ कि बच्चा टॉयलेट करने गया था, तो उनको ये था कि मेरे से बना के रखो। हमने उनको 3-4 बार बात भी की कि किस तरह की बना के रखनी है आप बताइए, स्टाफ के सामने बैठ के बताइए कि किस तरह की बना के रखनी है, और आप तो मेरे गांव के नाते भाई भी लगते हो, तो भी मतलब करते रहते थे इस तरह की हरकतें चलती रहती थी उनकी। हमने प्रिंसिपल मैम से भी बोला, लेकिन उनको एक दिन ये मौका मिला कि बच्चा टॉयलेट, क्लास पीरियड चल रहा था, टॉयलेट के लिए छुट्टी लेकर गया तो गिर गया, गिरने से उसके हाथ में लग गई, फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने मेरे खिलाफ, मैं बच्चे को हाथ पकड़ के खड़ी थी कि मैं डॉक्टर के लेके जाऊँ, बच्चे ने थाने में ये चीज़ बोली है कि मैम पढ़ा रही थी, मैं छुट्टी लेकर गया था मैम से टॉयलेट के लिए और वहाँ मैं गिरने से लग गई। तो भी उन्होंने पकड़ा, बोला अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और उसको थाने में लेके गए। तो थाने में बच्चे ने बोला मैम ने मुझे नहीं मारा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि या तो मुझसे बना के चलो, जो मुझसे बना के चलेगा मैं उसको, उस जिसका मेरे पर हाथ रहेगा। हाँ, किस तरह की हरकतें रहती हैं उनकी, इस तरह की हरकतें रहती है। फिर जब मैंने भी, मैंने कहा कि मैंने फिर हैं इस, हाँ इस लड़की करता है घूमने चलो, मौसम बढ़िया है, आज तो बहुत जच रहे हो, ये शायद हर लेडी टीचर्स के लिए कमेंट रहता है उनका। ये नाम मेरा मीनाक्षी राठी, SC ST का केस भी लगाया था, उन्होंने मेरे से माफ़ीनामा भी मांगा है लिखित में, खुद की राइटिंग में है उनके, लेकिन फिर से ये अभी भी यही धमकियाँ हैं कि मैं केस लगा दूँगा।